और गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके से कुछ दिन पहले एक स्कूल टीचर यहाँ पर लापता हो गई थी और जिसका शव गाजियाबाद की मुरादनगर में गंग नहर के पास से बरामद किया गया। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग का ही मामला बताया जा रहा है और जहां प्रेमी ने ही अपने यहां पर प्रेमिका की हत्या कर दी और सूत्रों के मुताबिक प्रेमिका प्रेमी से ही उम्र में यहां पर 10 साल बड़ी थी और प्रेमी को शादी करने के लिए दबाव बना रही थी और इसे तंग आकर उसने प्रेमिका की हत्या कर दी और वहीं पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये 8 तारीख को थाना कबीरनगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कि एक महिला जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है उनके अपहरण का संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कबीरनगर की टीम लगाई गई थी। थाना अध्यक्ष के कड़ी मेहनत से इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें जो पूरी बात सामने आई है वो एक प्रेम प्रसंग का मामला है। जो महिला है उनके ही प्रेमी ने इन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ उसी के क्रम में उनकी हत्या कर दी थी। झगड़े का कारण शादी ना करना बताया जा रहा था। जो लड़की है वो चाह रही थी कि दोनों की शादी हो जाए पर लड़का इस बात से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी के क्रम में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान लड़के ने महिला का गला घोट दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए उसने महिला की बॉडी को एक बैग में भर के गंग नहर के पास बॉडी फेंक दी थी और वहाँ कमरे से जो भी एविडेंसेस है वो सारे के सारे मिटा दिए थे। आपने अपनी प्रेमिका से तकरीबन 10 साल छोटे प्रेमी थे, जब प्रेमिका ने शादी के लिए दावा बनाया तो उसका एक खौफनाक अंजाम सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि मसूरी नहर में कल एक युवती का शव बरामद किया गया था और शव की पड़ताल जब की गई तो पता चला कि यह शव गीतिका वर्मा नाम की एक अध्यापिका का है जो कबीरनगर थाना क्षेत्र से कई दिनों से लापता बताई जा रही थी। अब आपको बता दें कि इस शव की पहचान कैसे हुई। दरअसल पुलिस के द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी जो कि कबीरनगर थाना क्षेत्र में आता है और उस गुमशुदगी पर पुलिस निरंतर काम कर रही थी। पुलिस के द्वारा पता चला कि जो युवती गायब है उस युवती का एक 24 साल के युवक से संबंध थे जो कि राजनगर एक्सटेंशन में एक लिविंग रिलेशनशिप की तरह रहा करते थे। उस युवक ने ही इस युवती का हत्या कर दिया था और इस हत्या के करने के बाद एक बैग में इस युवती का शव को छुपाकर मसूरी इलाके में नहर में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने उस युवक दीपक चौधरी को गिरफ्तार कर दिया है जिसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक प्रेम की जो अंत की कहानी सामने आई है उसे सबको झकझोर के रख दिया है। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, Live24। गाजियाबाद के निरापुरम इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 युवकों को हिरासत में लिया और आपको बता दें कि यहां पर पूछताछ में पकड़े